नमस्कार। सैटेलाइट ग्रीन माइलस्टोन इन्फ्रास्ट्रक्चर एम जो संजीवनी बायोगैस यूनिट है ये तरफ थी आप सर्वनु स्वागत करिए। हमें आज भवानीपुरा गाम जो पेटलाद की बाजू में आलू है त्या कल्पेश भाई पटेल जमने मरचा की खेती करेली है। अत्यारे अपने एमना खेतर पर छे। मरचा की हमने एटली अद्भुत खेती करी है कि खरेखर एमने बहुत सारूँ रिटर्न मे तो दरेक रीणी एमनी एटली सरस हो मार्केट में बहुत सारा भाव मे जेनी अंदर संजीवनी बायोगैस की स्लरी अत्यारे अमे उपयोग कर रहा है। 2000 लीटर स्लरी केटला वीघा में आपणे वापरीए छीए 2 वीघानी अंदर 2000 लीटर स्लरी एटले 1 वीघे 24 गुंठानी अंदर 1000 लीटर स्लरी आपणे वापरीए छीए जे हूँ आज आपने बतावा मांगू छू। कल्पेश भाई पास आपणे मरची रिलेटेड पण थोड़ी चर्चा करशू एटले आपणने ख्याल आवे कि आ स्लरीनुं केवुं रिजल्ट छे अने कल्पेश भाई ने अत्यारे वापर्या पछी 5-1 दिवस पछी केवुं रिजल्ट में फरक पड़शे ए पण आपणे एमने पूछ्युं। कल्पेश भाई तमे पहेला स्लरीनो उपयोग करेलो छे आनी अंदर करेलो छे केटली वापरी छे पहेला स्लरी? टैंकर एटले एक टैंकर नी अंदर 1000 लीटर आवे 4000 लीटर एक टैंकर में 4000 लीटर स्लरी आवे जे कल्पेश भाई पहला वापरेली छे अने अत्यारे फरी उपयोग करो तमे फरी सा माटे उपयोग करो छो तमने केवुं रिजल्ट सारू छे एटले केवुं रिजल्ट मळे छे? खातर बातर नी कोई जरूर नहीं कोई खातर नी जरूर नहीं कल्पेश भाई खातर नी जरूर नहीं कल्पेश भाई कोई रासायणिक खातर नी जरूर नथी एवुं केवा मांगे छे आ स्लरी ना उपयोग थी मने तो ए रीतनुं रिजल्ट मळ्युं। कल्पेश भाई मरची की खेती करी है जेनी अंदर बायोगैस संजीवनी बायोगैस अत्यार स्लरी 2000 लीटर एटले कि 1 वीघे 1000 लीटर स्लरी जई रही है जेनाथी एमने कोई जातनो केमिकल उपयोग करवा पड़तो नथी एवुं एमनुं कहेवुं छे। आ मरचा की क्वॉलिटी तमे जोई शको छो के केटला सरस मरचा आनी पर बेसे छे। कल्पेश भाई 1 वीघे केटली वीणी आ मरचा की? रोग ना होय तो आपणे आपणे केटली वीणी बेसे? आपण 10-15 दिवसे वीणी दर 15 दिवसे एक वक्त 10-15 दिवसे एक वक्त कल्पेश भाई ने वीणी आवे अने 1 वीघे केटलो ઉતારો આવે? 1 વીઘે હજુ તો આ સ્ટાર્ટિંગ છે એટલે 60-70 મણ નો અંદાજ 70 મણ જેટલો ઉતારો કલ્પેશ ભાઈ ને આવે એવું કલ્પેશ ભાઈ નું કહેવું છે। અમને બહુ સરસ આપણે એમના ખેતર ની પણ થોડી મુલાકાત કરીશું। જો પાક આટલો હેલ્ધી હોય ને તો એને રોગ અને જીવાત સામે પણ લડવાની જે તાકાત છે ને એ આવી જતી હોય છે એટલે તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સરસ મરચા એમના ત્યાં બેઠા છે એની ક્વોલિટી જુઓ। एक ज छोड़ उपर केटली केटली सारी संख्या में मरचा बैठेला है तमने देखाय छे। आ कल्पेश भाई नी मेहनत नुं परिणाम छे अने एमनी जे कई वस्तुओं खेतर नी अंदर एमनुं ध्यान राखवामां आवे छे जे कई बायो प्रोडक्ट वापरे छे अने कल्पेश भाई आ स्लरी नो जे खातर नी पूर्ति करवा माटे उपयोग करे छे एनुं आ परिणाम छे कि जेमनी जमीन पण तमे जोशो तो एकदम लाइव देखाशे तमने। आ तमे जमीन जोई शको छो कल्पेश भाई नी एकदम लाइव जमीन है कारण कि आनी अंदर जेटलो ऑर्गेनिक कार्बन वधेलो छे ए जमीनू पण एटलू सरस रिजल्ट मळे छे अने जमीन एटलो सरस पाकने रिस्पोन्स करे छे एटले आजे आ भवानीपुरा में आपणी सामे ज एक देखीतू दृष्टांत छे कि कल्पेश भाई जे आपणा खेडूत छे जे आटला सरस प्रमाणे मरची करी रह्या छे जेमां देखाय छे कि संजीवनीनी स्लरी एमना खेतरनी अंदर ईवन रूपे बधी जग्याए फैलाय छे अने एनुं एमने जळहळતું परिणाम मळे छे।